हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं 10वीं जमात का पाठ नंबर 2 बहुअर्थक शब्द करन जा रहे हाँ। जिवें कि असीं जानते हाँ कि हर भाषा विच कुछ अजिहे शब्द हुंदे हन जिन्हां दे एक तो वधेरे अर्थ निकलते हैं। इन्हां शब्दां नूं जदों असीं वख-वख परिस्थितियां दे विच वरतदे हाँ तां इह वखो वखरे अर्थां दे विच साडे सामने आउंदे हन। इह स्थिति दे अनुसार अपना प्रसंग जां अपना रूप बदल लैंदे हन। इन्हां दे अर्थ स्थिति दे अनुसार बदल जांदे हन। ऐसे शब्दों नूं असीं की कहने हैं बहुअर्थक शब्द। साडी पंजाबी भाषा दे विच बहुअर्थक शब्दों की बहुत महत्ता है। भाषा दे संबंधी जानकारी लई, ज्ञान हासिल करन लई सानूं बहुअर्थक शब्दों की जानकारी होनी जरूरी है। जिन्हें असीं बहुअर्थक शब्दों के जाणू होवांगे साडी भाषा सिख्या जिहड़ी उन्नी ही वधिया होएगी। तो भाषा का ज्ञान की अमीरी सानूं इस गल तो पता लगती है कि किन्ने बहुअर्थक शब्दों बारे सानूं जानकारी है। इस करके भाषा सिख्या ते अपनी पकड़ बनाउण लई, अपनी मुहारत हासिल करन लई सानू शब्दां दे बहुअर्थक रूप बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर तुहाडे बहुत सारे बहुअर्थक शब्द बेटा दिते गए हैं जिन्हां दे विच ओला शब्द है। जिवें ओला का पहला अर्थ हुंदा है परदा। जिवें असीं वाक बनाउने आ बारी अगे कपड़े नाल ओला कर लो, एक ओला हुंदा है परम। इहदा आपां वाक बनावांगे कि बुरे कम्मां दा ओला सदा नहीं बनिया रहिंदा। उस तों बाद उच्चा शब्द है, जिवें उच्चा दा अर्थ हुंदा है उच्ची थां। तां उच्ची थां दा मतलब कि आपां वाक बनावांगे पहाड़ बहुत उच्चा है। अगला है जी उच्ची आवाज़, मूंह नूं उच्चा सुणदा है। मोचना, उच्चा वाल पुट्टण लई वरत्या जांदा है। तां इहदे विच जिहड़ा उच्चा शब्द सी जदों वख-वख वाकां दे विच वरत्या गया तां वाक दे अनुसार उहदे अर्थ है जिहड़े उह बदल गए। जिवें पहले वाक दे विच उह उच्ची थां लई वरत्या गया, दूजे च उच्ची आवाज़ लई वरत्या गया, ते तीजे थां ते उह एक वस्तु है मोचना तां उहदे लई वरत्या गया। अगे उठा शब्द, राम दी लत ते उठा उठ्या है। मैं कमरे विचों अपना समान उठा लिया। पहले विच उठा दा अर्थ है कोई फोड़ा निकलना जां कोई मतलब किसे तरह दा गड़ निकल आना। तां दूजा है कि उठा लिया मतलब चुक लिया, मैं अपना समान उत्थों चुक लिया। इस तरह वख-वख थावां ते जदों उठा शब्द नूं वरत्या गया वाक दे अनुसार उहदे अर्थ है जिहड़े बदल गए। उस तों बाद जिवें शब्द है उठ, सवेरे राम सवेरे 6 बजे उठ जांदा है, पहला वाक है। फिर मन विच, मेरे मन विच कई विचार उठ रहे हैं। तीजा वाक है जी मंजी तो उठ जावो। तां इहदे विच पहले थां पहले वाक विच उठ दा शब्द जागना, दूजे वाक विच उठ दा अर्थ की हो गया पैदा कर होना, मतलब कोई विचार पैदा होना मन दे विच। अगले दे विच उठ दा शब्द है खड़े हो जा। इस तरह वख-वख थावां ते उठ वाक शब्द है जिहड़ा उहदा वाक दे अनुसार शब्दां दे विच तब्दीली आ गई। उस तो अगला शब्द है जी साडे कोले उत्तर। पहला वाक देखो जी, इस प्रश्न का उत्तर लिखो। दूजा पंजाब भारत दे उत्तर विच है। तीजा छत तो उत्तर जावो। तां पहले वाक विच उत्तर शब्द का मतलब है जवाब, दूजे विच उत्तर दिशा लई वरत्या गया है, तीजे वाक विच उत्तर का अर्थ है थले आना। तो इस तरह बेटा जिहड़े शब्द हुंदे है जदों उन्हां नूं वाकां दे विच असीं वरतदे हां तां उह वाक दे अनुसार अपने अर्थ है जिहड़े उह बदल लैंदे हन। तो इन्हां शब्दों नूं ही असीं भाषा व्याकरण दे विच बहुअर्थक शब्दों के नाम नाल जाणदे हाँ। इस तों बाद बेटा पाठ दे तुहानूं बहुत सारे बहुअर्थक शब्द तुहाडी किताब दे विच दित्ते गए हन, उत्थों तुसीं इह शब्द पढ़ लैणे आ। उस तों बाद आपां इहदे प्रश्न उत्तर करते हैं कि एग्जाम दे विच ये प्रश्न तुहानूं किस तरह आ सकते हैं। सब तो पहला बहु विकल्पी प्रश्न दे विच बहुअर्थक शब्द किस नूं कहिंदे हन, इहदा सही उत्तर तुसीं चुनना है। जिहड़े शब्द शब्दों का उचारण इक्को जिहा होवे ते अर्थ वक्रे वक्रे होण उन्हां नूं असीं बहुअर्थक शब्द कहिंदे हां। आड़ा भाग ते तुसीं टिक करोगे। अगला तुहानूं बहुत सारे बहुअर्थक शब्द दिते गए हैं बेटा, जिवें उल्टी शब्द। बच्चा उल्टी कर रहा है, एक वाक बनाता उहदा, तां रेखा हमेशा उल्टी गल करती है। तां दूजा वाक किहड़ा है जिहड़ा उहदे विच उल्टी अर्थ दा अर्थ मतलब है पुठी, पहले दे विच उल्टी दा अर्थ है कै। तां इसे तरह तुहानूं वाक दिते गए ने जिवें इस प्रश्न का उत्तर लिखो। एक वाक तुसीं अपने वल्लों होर बनाउणा है जिहदे विच उत्तर दा अलग तो अर्थ होवे। उस तों बाद इसे तरह सार, सिट्टा, हार, कच्चा, इन्हां दा एक एक वाक बनाया होया है ते एक एक वाक तुसीं वक्रे अर्थां वाला अपने कोलों बनाउणा है जिहड़ा दित्ते होए वाक तो वक्रे अर्थ रखदा होवे। इस तरह ये प्रश्न तुसीं हल कर लैणा है। उस तों बाद
तुहानू बहुअर्थक शब्दों के तीन तीन होर अर्थ लिखने ने, जिवें वट शब्द दे लिखिया होया खेत दी वट, गर्मी कपड़िया नू पैण वाले वट, इस तरह कच्चा शब्द उत्तर, बोली आकड़, सर सत, कली कच्चा गोला, इस तरह नाल ये जिहड़े वख वख शब्द दिते गए हैं इन्हां दे बेटा तुसीं तीन तीन अर्थ वखो वखरे जिहड़े वह लिखने हैं। तो एग्जाम दे विच जदों तुहानू प्रश्न आउणगे वह तीन तरीकियां नाल आ सकदे है। सब तो पहला बहुविकल्पी रूप विच तुहानू कोई शब्द दे के उहदे बहुअर्थक रूपां दे विकल्प दिते गए होणगे, उहनां चों तुसीं सही विकल्प चुनना होएगा। उस तो बाद कोई शब्द दे के उहदे दो वखो वखरे वाक बनाउणे तुहानू आ सकदे है कि वखो वखरे अर्थां वाले दो वाक बनाओ, जां फिर तुहानू शब्द दिते जाणगे उहनां दे तुसीं तीन वखो वखरे अर्थ है जिहड़े उह लिखने होणगे। इस तरह नाल इह प्रश्न तुसीं हल करने ने। तां उम्मीद है बेटा तुहानू पाठ समझ आ चुका होवेगा। धन्यवाद।